गोलमाल किया है। इसमें जो है बहुत बड़ा एक घोटाला करने की साजिश है, जिसमें जो है रेलवे लाइन के ऊपर जो है सड़कें बनाना, रेल अथॉरिटी से कोई परमिशन ना लेना, अपनी मर्जी से वहां पर ट्रैफिक बनाकर और उस पर बोर्ड लगा देना, तो इस सब के पीछे जो है साजिश जो है ये सब भ्रष्टाचार का है मामला, और साथ ही जो है इसमें धन घोटाला है। और आपको मैं बता दूं, देखिए 15 वर्षों में लगभग 4.25 अरब रुपया जो है नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर को मिला। इन 15 वर्षों में इन्होंने जितनी भी रेलवे लाइनों की जो जगह पड़ी हुई थी, उस रेलवे लाइन की पटरी के ऊपर ही सड़क बना के रख दी, जबकि जो है ये गैर कानूनी काम था और इसमें रेल अथॉरिटी को भी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जो है रेल अथॉरिटी के द्वारा एक्शन ना लेकर और यहाँ लोकल बॉडी जो है प्रशासन की, इनकी और नगरपालिका की सांठगांठ की वजह से जो है उस रेलवे लाइन के ऊपर जो सड़क बना दी गई। अब ये थोड़ी बहुत सड़क नहीं है, बल्कि जो है जो रेलवे लाइन पड़ी हुई थी लोहा लंगर जो था, वो भी काफी इसमें गायब हो गया बनाते समय। अगर इसकी जो है सही ढंग से इसकी जांच कराई जाए तो इसमें बहुत बड़े घोटाले निकलेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत छोटी सड़कें नहीं है, ये पूरी पूरी एक लंबी लेन है जिस पर जो है नगर पालिका ने जो है इंटरलॉकिंग करके जो है इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। कहीं कहीं पर तो ये भी देखा गया है कि एक जगह डालने सड़क बिछाने के बाद फिर दोबारा उसी सड़क को जो है फिर उन्होंने दोबारा उसको बनाया, ये भी एक घोटाले का मामला है। अब इस संबंध में जो है यहाँ जिला प्रशासन को भी पत्र लिखे गए, उप प्रशासन को भी लिखे गए, सचिव को भी लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई शासन और प्रशासन करने के मूड में ही नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब इसमें इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ जो इसमें सत्ता से जुड़े जो सफेदपोश हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो अभी तक